हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सदन में जब अभिभाषण चल रहा था सेंट्रल हॉल में, तो देखा कि सीए राजनीतिक दंगल बना, आप लोग ताली बजा रहे थे, दूसरी तरफ हूटिंग हो रही थी। देखिए, पहली बार विपक्ष अभिभाषण पर जिस ढंग का व्यवहार कर रहे थे, लोकतंत्र के लिए अशोभनीय व्यवहार था, और कांग्रेस को तो प्रायश्चित करने का मौका था, वो भी तालियां बजाता। उन भारतवंशियों को आपने हिंदू और मुसलमान के नाम पे बांट दिया था, क्या भारतवंशियों को सम्मान देना पूरा देश स्वीकार रहा? अस्वीकारना भी चाहिए, इसीलिए लोग तालियां भी बजा रहे थे। गालियां देने वाले को प्रायश्चित करना चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि जिस तरीके की बीजेपी दिल्ली में इलेक्शंस में कंपेन कर रही है, एक तरह से ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, ये बीजेपी ध्रुवीकरण कर रहा कि विपक्ष ध्रुवीकरण कर रहा? जेएनयू के माध्यम से कौन ध्रुवीकरण किया? शाहीनबाग में कौन ध्रुवीकरण किया? और मैं पूछ रहा हूं, जहां आप तुष्टिकरण करेंगे, मैं दिल्ली के एक चुनाव क्षेत्र में लगा हूँ, रिठाला विधानसभा, मैंने देखा कि मस्जिद के इमाम के लिए 18,000 रुपया, उनके सहायक के लिए 16,000 रुपया, 9,000 रुपया मेंटेनेंस के लिए। तो क्या मंदिरों के पुजारियों के मन में घृणा होगा कि नहीं? ये घृणा कौन फैला रहा है? ये तुष्टिकरण कौन कर रहा है? ये यही लोग कर रहे हैं, केजरीवाल, ममता बनर्जी, कांग्रेस के लोग, और दोष मुझे दे रहे हैं। जामिया में जो कल घटना हुई, इस पर बहुत सीधा आरोप विपक्ष की तरफ से लग रहा है, प्रियंका गांधी से लेकर तमाम लोगों ने कहा कि जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने नारे लगवाए थे, उस मीटिंग में आप भी मौजूद थे, उसी का नतीजा है। अनुराग ठाकुर ने कोई काम गलत नहीं किया। अनुराग ठाकुर आज देश के अंदर में गद्दारों को गोली तो लगी रही है, पाकिस्तान बॉर्डर पर उन्होंने कहाँ कहा किसी का नाम तो लिया नहीं, और ये भी नहीं कहा गोली मारो, वो तो जनता बोल रही थी। लेकिन जहाँ तक गद्दारों को गोली का सवाल है, पाकिस्तान बॉर्डर पर तो हमारे सैनिक, रक्षक, सुरक्षाकर्मी गोलियाँ ठोक रहे हैं। अगर किसी ने अपने को गद्दार कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा हूँ किसी को। बिल्कुल, गिरिराज सिंह जी, जिनका बहुत साफ कहना था कि तुष्टिकरण की कोशिश राज्य सरकार के तरफ से हो रही है, और गद्दारों की बात जहां तक बॉर्डर के लिए कही गई थी। आपने कहा, दीपक शर्मा के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़24 दिल्ली।